नमस्कार, मैं सरवन सागर, प्रिंसिपल ऑफ सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी की कृपा से, आपके सहयोग से हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय सौ मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 जो 17 नवंबर को हो रही है, इस बार 8वीं कक्षा के लिए, इससे संबंधित जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसे अब तक बहुत सारे लोगों ने देखा है और कमेंट करके ऑनलाइन वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया है। और मैंने वादा भी किया था कि मैं ऑनलाइन इसका तैयारी करवाऊंगा, तो उसी के कड़ी में आज यह मेरा पहला वीडियो है, जिसमें मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों क्वेश्चन में पूछा है, मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो विषय का परीक्षा होता है, एक मैट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा सेट शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। दोनों विषयों में 90-90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय होता आपके पास, और इसमें उत्तीर्ण करने के लिए आपको कम से कम 35 से अधिक मार्क लाने होते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पूरे बिहार में 5438 सीट है, इतने छात्र उसमें सफल होंगे, इतने को लिया जाएगा, और इसमें पास करने वाले को 1000 रुपये प्रति माह 4 वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इस पर मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें वीडियो है मेघा छात्रवृत्ति की पूरी जानकारी, उसको देखिए। इस वीडियो में मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग उसे अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी में नोट कर लेना और उसे याद कर लेना। इसमें से निश्चित रूप से 4 या 5 प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे और मैथ से भी क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग कृपा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसमें पढ़ सकते हैं आप कि कौन कौन सा चीज़ की ज़रूरत होता है फॉर्म भरने के लिए। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 30 सितंबर तक टाइम है, आप लोग उससे पहले फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, कहीं भी कंप्यूटर सेंटर में चले जाइए और फॉर्म भर लीजिए। 8वीं कक्षा के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो फॉर्म भरिए, आप लोग तैयारी कीजिए, हम तैयारी कराएंगे ऑनलाइन। निश्चित रूप से पास कीजिएगा, और करते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के कालीकट कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत के कालीकट कब पहुंचा? इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा मैसूर का। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोयला को। इसका आंसर होगा कोयला को। चौथा क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही आंसर है असम में। पांचवा क्वेश्चन है, सीढ़ीनुमा खेती होती है। इसका सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में। छठा क्वेश्चन है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है? दाब का अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है?
इसका आंसर होगा पास्कल। सातवां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? इसका आंसर होगा लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन होगा, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? आंसर लिखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आंसर में लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। दसवां क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? इसका सही आंसर है लुएन हॉक ने, लुएन हॉक ने। ग्यारहवां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर में होगा विटामिन ए। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आंसर में लिखिए हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? इसका सही जवाब होगा 46। चौदहवां क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे अकबर के। सोलहवां क्वेश्चन है, ग्रह कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? आंसर में होगा बुध। अगला क्वेश्चन है, पवन वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर से, पवन वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर से। अठारहवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? आंसर लिखिए गंगा नदी पर। 19 नंबर में, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर होगा मत्स्य पालन से। 20 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। 21वां क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर में होगा 12 सदस्यों को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर में लिखिए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? आंसर में होगा धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और 25वां क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म के। तो दोस्तों, ये था आज का मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में मैं फिर और 25 प्रश्न लेके आऊँगा, और आने वाले वीडियो में मैथ और रीजनिंग से भी प्रश्न लाऊँगा। अगर आप लोग भी मेगा छात्रवृत्ति का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नियमित रूप से इसमें वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।